आज एक बहुत महत्वपूर्ण इसे मुद्दे के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। किस प्रकार से मोदी सरकार ने बिहार के किसानों पर किया आघात और नीतीश सरकार ने किया विश्वासघात। सीमांचल सहित पूरे बिहार का खुलासा आज पूर्णिया की इस पवित्र धरती से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और मेरे सम सहयोगी हम सब यहां से करेंगे। दोस्तों, जदयू भाजपा सरकार राज्य में हो या मोदी सरकार केंद्र में, दोनों ही देश के अन्नदाता किसान पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। सीमांचल में किसान पर ढाए जा रहे इस कहर का सबसे काला अध्याय जदयू भाजपा सरकार द्वारा लिखा गया है। मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी तीन काले कानून लाती है और उसकी प्रेरणा नीतीश बाबू की किसान विरोधी दमनकारी नीतियों से पाती है। चाहे मंडियों को समाप्त करना हो, चाहे किसान के समर्थन मूल्य को समाप्त करने की साजिश हो, और चाहे फसल बीमा से किसान को वंचित करना हो और जमाखोरों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना हो, नीतीश और मोदी सरकारें एक जैसा दुर्व्यवहार करती रही हैं। आज हम आपके सामने 7 बिंदुओं के माध्यम से सिलसिलेवार मोदी सरकार द्वारा किसान पर आघात और नीतीश सरकार द्वारा किसान से विश्वासघात का खुलासा करेंगे। पहला, कपटी नीतीश सरकार ने, और मैं दोबारा दोहराता हूं, कपटी नीतीश सरकार ने किया किसानों से छल, और केवल इस एक सीजन में जो खत्म हुआ है बिहार के किसान को 3,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। बिहार मक्का उत्पादन में साथियों देश के 3 बड़े राज्यों में से है। बिहार में प्रति वर्ष 31 लाख टन मक्का उत्पादन होता है और सीमांचल पूर्णिया मक्का उत्पादन का ताज है। बिहार के 11 जिले मक्का कॉरिडोर के बारे में रूप में जाने जाते हैं और आप मुझसे जाने ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसमें पूर्णिया भी है, कटिहार भी है, अररिया भी है, मधेपुरा भी है, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली इत्यादि ये सब जिले शामिल हैं बिहार में। तो और एक खास बात देखिए, बिहार में मक्का उत्पादन की औसत लगभग 5,000 किलो या 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, पर पूर्णिया अकेला ऐसा जिला है जहां मक्का उत्पादन की औसत 9,188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नीतीश सरकार ने बिहार में मक्का उत्पादन वाले करने वाले किसानों की पीठ में विश्वासघात का एक खंजर घोंप दिया है। कैसे? अप्रैल माह से ही बिहार के किसान नीतीश सरकार से 1,850 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की गुहार लगाते रहे, परंतु भाजपा जदयू सरकार किसान का मक्का 800 और 900 रुपये क्विंटल पर बिचौलियों को बिकवाते रहे। सच्चाई यह है कि प्रदेश में मक्का खरीद को नीतीश सरकार ने बिचौलियों और जमाखोरों के हवाले कर दिया है, यह सच्चाई। और जब किसान, जब मक्का पैदा वाले करने वाला किसान अदालत की शरण में गया तो अध्यक्ष जी ने मुझे वो शपथ पत्र दिखाया कि बिहार की सरकार ने शपथ पत्र देकर कहा कि न तो उनके पास मक्का को स्टोर करने की पर्याप्त जगह है
और ना ही केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने मक्का खरीद की कोई गाइडलाइन जारी की है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि 15 सितंबर 2020 को संसद के अंदर मोदी सरकार ने यह बताया कि बिहार सरकार ने मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बिहार सरकार नीतीश बाबू ने मक्का खरीद का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा। इस प्रकार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और पूरे बिहार का मक्का बिचौलियों को बिकवाते रहे। इस सारी केवल इस सीजन में मक्का किसान को अनुमानित 3,000 करोड़ रुपए का चूना नीतीश बाबू की सरकार ने किसान को लगवाया और यह मुनाफा बिचौलियों और मुनाफाखोरों को कमवाया। दूसरा, तो एक तरफ तो विश्वासघाती नीतीश सरकार है और दूसरा पहलू देखिए वो इससे भी चौंकाने वाला है। दूसरा, दगाबाज मोदी सरकार ने भी किसान से धोखा किया मक्का के। वो कैसे? मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जिसकी शायद जानकारी बहुत कम लोगों को है। 23 जून 2020 को देश में मक्का आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर, चौंकिए मत, 15% कर दिया गया। 23 जून 2020 को मोदी जी ने, जब मक्का आ रहा था, अप्रैल माह में आना शुरू हो गया, तो 23 जून को चोर दरवाजे से विदेशों से मक्का मंगवाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर 15% कर दिया और 5,00,000 टन मक्का सस्ते रेट पर विदेशों से मंगवाने की छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश समेत बिहार के मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की फसल के दाम गिर गए। तीसरा, 15 साल से नीतीश सरकार सीमांचल के मक्का किसान को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की झूठी पुड़िया बांट रही है। आज तक लगा तो है नहीं। 15 साल से कह देते हैं कि हम अभी एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा देंगे। कल चालू हो गया, अगले चुनाव में चालू हो गया, उससे अगले में चालू हो गया, अब इस चुनाव में कह रहे हैं इससे अगले में चालू करेंगे। पिछले 15 साल से झूठी पुड़िया बांट रहे हैं। वो आप देखते हैं ना, आप जब बच्चे जाते थे हकीम पे तो वो सफेद पाउडर चीनी वाला बांट देता था और वो कहते थे कि ये पुड़िया है ये ले जाओ। तो वही पुड़िया बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू। और नतीजा क्या है? 80% प्रदेश का मक्का, मैंने ये देखने की कोशिश की, 80% मक्का जो पैदा होता है वो प्रोसेसिंग के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, वहां से फिर मुर्गियों का फीड इत्यादि बनकर महंगे दाम पर फिर किसानों को बेचा जाता है। तो हम पैदा करते हैं, हमारा ही बाहर भेज देते हैं और फिर महंगे दाम पर हमें ही वापस बेच देते हैं। तो डबल नुकसान इसी को कहते हैं। और केवल यही नहीं, चौथा, बिहार में फसल की कीमत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बिहार में फसल खरीदी केंद्र ही जदयू और भाजपा सरकार ने बंद कर दिए, उन पर ताला लगा दिया और उसका सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2015-16 में बिहार में खरीद केंद्रों की संख्या थी 9,000। 2015-16 में फसल खरीद केंद्र जो हैं उनकी संख्या 9,000 थी। 2020-21 में वो घटकर रह गई 1619, यानी लगभग 3500 खरीद केंद्र बंद ही कर दिए। तो ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना बांस होगा, ना बांसुरी बजेगी। किसान को फसल की कीमत देनी ही नहीं, खरीद केंद्र ही बंद कर दो। ये एक क्लासिकल तरीका है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने का। पांचवा, बिहार में धान का किसान बर्बादी की कगार पर।
जिस प्रकार से धान के किसान को लूटा जा रहा है, वह अपने आप में जदयू सरकार और बिचौलियों के गठजोड़ को उजागर करता है। 1850 से 1888 रुपया क्विंटल धान का भाव होना चाहिए। मैं तो खुद अपने खेत में धान लगाता हूं और अभी बेचकर आया हूं, इसलिए पता है। परंतु बिहार में, पूर्णिया के इस पूरे इलाके में, जहां जहां कोई साथी धान लगा लेता है, धान 1100 और 1200 रुपए में पिटता है। 1850 रुपये वाले धान का 1000 या 1100 रुपया मिलेगा तो किसान का काम कैसे चलेगा? और यही नहीं साथियों, और चौंकाने वाली बात है, और वो ये है, नीतीश और बाबू की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धान की खरीद ही नहीं करती। मैं अध्यक्ष जी को आंकड़े दिखा रहा था जो बड़े इंटरेस्टिंग है। बिहार में 70 से 80 मीट्रिक टन धान पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े। अब 70 से 80 लाख मीट्रिक टन में से सरकार कितना खरीदती है ये देख लीजिए, बस अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। बिहार सरकार ने 2019-20 में खरीदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13.41 लाख टन, 70 से 80 लाख टन में से। 18-19 में खरीदा और कम, 9.49 लाख टन, और कम हो गया। और 17-18 में खरीदा था 7.93 लाख टन। तो जब आप खरीदेंगे ही नहीं किसान का धान, 80 लाख टन पैदा करूंगा मैं और आप खरीदेंगे 13-13.5 लाख टन, तो बाकी कहां जा रहा है? बिचौलियों और जमाखोरों के पास। स्वाभाविक तौर से फिर वो 1850 या 1888 रुपया क्विंटल क्यों देंगे, वो तो कम ही कीमत देंगे। छठा, बिहार के गेहूं किसानों की मेहनत को भी बिचौलियों के हाथ बेच दिया नीतीश सरकार ने। बिहार में 2020-21 चालू साल ही देख लीजिए, उसमें 61 लाख टन के करीब गेहूं का उत्पादन हुआ, मीट्रिक टन, 61 लाख मीट्रिक टन। 1925 रुपया प्रति क्विंटल रेट था, पर किसी किसान को 1000 या 1100 रुपया प्रति क्विंटल से अधिक नहीं मिला। कारण 2020-21 में नीतीश बाबू की सरकार ने, और आप चौंक जाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल उत्पादन था 61 लाख मीट्रिक टन, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2020-21 में कितना खरीदा? 5000 मीट्रिक टन सिर्फ। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का आंकड़ा है। तो 61 लाख मीट्रिक टन में से 5000 मीट्रिक टन खरीदा, और कितने किसानों से खरीदा? यहां 1,60,00,000 किसान है कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक, 1,002 किसानों से। इसका मजाक क्या हो सकता है साथियों? 1,60,00,000 किसान है, 1,002 किसानों से 5,000 टन धान खरीदते हैं आप, जब पूरा प्रोडक्शन 61 लाख का। और यही नहीं, हर साल यही करते हैं। 2017-18 में एक दाना नहीं खरीदा गेहूं का, 18-19 में 17,540 मीट्रिक टन खरीदा, 19-20 में 2,815 मीट्रिक टन खरीदा। 1% गेहूं भी, 1% गेहूं भी नीतीश बाबू की सरकार नहीं खरीदती, तो किसान को कीमत कैसे मिलेगी? और एक थोड़ा समय हो गया, पर एक आपके ध्यान आकर्षित और करेंगे, किसान सम्मान योजना की बार बार मोदी जी और नीतीश बाबू चर्चा करते हैं, तो किसान सम्मान बनाम किसान लूट योजना, और उसमें बिहार में 2015-16 का खेती का सेंसस निकालें देश का, तो 1,60,20,000 किसान हैं, पर किसान सम्मान योजना में 1,60,20,000 किसानों में से केवल 56,95,342 किसानों को ही शामिल किया गया, तो 1,04,00,000 किसानों का क्या कसूर है? उनको क्यों महरूम कर दिया गया?
और एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम 6000 रुपया प्रति साल किसान के खाते में डालते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी ने 6 साल में डीजल की कीमत मई 2014 में 55.49 रुपया लीटर थी और आज वो कीमत है 75.90 रुपया लीटर, तो 20 रुपया लीटर कीमत बढ़ा दी। खेती में जितने इनपुट हैं, खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर पर 15% लगा दिया, कीटनाशक दवाई पर 18% लगा दिया, ट्रैक्टर के टायर पर 18% लगा दिया, पहली बार खेती पर जीएसटी लगाया। तो 6000 रुपया दिया और 15000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपकी जेब से वापस निकाल लिया। 15000 ज्यादा होते हैं या 6000? स्वाभाविक तौर से 15000। तो उल्टा किसान का फायदा करने की बजाय नुकसान कर दिया। 1.4 करोड़ को तो दिया ही नहीं, और जिन 56 लाख को भी दिया, 15000 निकाल रहे, 6000 दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है? और इस पूरे इलाके में बाढ़ आती है। 8वां और आखिरी बिंदु मैं कहूंगा कि बाढ़ का मुआवजा ना देकर किसान को दर्द पहुंचा रही है जदयू भाजपा सरकार। बिहार के 16 जिले में 83,62,000 लोग किसान बाढ़ से प्रभावित हुए। 7,54,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। आज तक ना मोदी सरकार ने ना नीतीश सरकार ने एक फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया। मोदी जी ने 26 जुलाई 2020 को बिहार की बाढ़ पर वेदना तो जता दी, पर ना उन्होंने एक पैसा दिया ना इन्होंने एक पैसा दिया। तो ऐसी जदयू भाजपा सरकार को बदलने का समय आ गया है, इसीलिए 15 साल का बिहार हिसाब मांगता है और 15 साल का बिहार जवाब मांगता है। प्रतिलिपि इस प्रेस विज्ञप्ति की सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज मेरे मित्र आनंद माधव आपको दे देंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। पहले जो प्रिंट के साथी पीछे बैठे हैं, पहले उनसे ले लें और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से ले लें। एक एक करके अगर आप हाथ खड़े करेंगे तो हम सवाल ले पाएंगे, या फिर आगे से कोई पूछना चाहे। कोई प्रश्न किन्हीं का है? हाँ जी, उधर से आप पूछिए भैया। नहीं, बगैर माइक भी हमें सुन जाएगा, कोई बात नहीं। जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। लाखों करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लॉकडाउन में, जो मोदी जी ने 3 घंटे के नोटिस पर किया, पूरे हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आए। पांव में फफोले थे, मन में घाव थे, सामान कंधे पर और पीठ पर था, पत्नी की गोदी में बच्चे थे, पेट में रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था, जाने को साधन नहीं था। और जब वो सब बिहार के मेहनत का, खास तौर से सीमांचल के सबसे ज्यादा साथी, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, मधेपुरा हो, इन सब जिलों के सबसे ज्यादा साथी, जब वो सब बिहार वापिस आए, तो नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के निर्दयी और निर्मम सरकार ने उनको बिहार में आने तक से रोका और ये कहा कि ये प्रवासी मजदूर अगर घर वापस आएंगे तो ये हमें मंजूर नहीं। उन्होंने यहां तक कहा, उन मेहनत कशों को बेइज्जत किया, अपमानित किया, रोटी और रोजी देने की बजाय उनको धुतकार और धक्के मिले। कांग्रेस की जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की, राजग कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की, हमने बाकायदा हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए जो अलग अलग प्रांतों में हैं, उनके लिए एक प्लान बनाई है और वो होगी
श्री कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र, बिहार की सरकार हर प्रांत के मुख्यालय पर और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक से अधिक बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। हमारे अधिकारी वहां रहेंगे, डॉक्टर साहेबान भी होंगे, रहने का इंतजाम भी होगा। अगर कोई किसी को कोई तकलीफ होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हमारे अधिकारी उस सुविधा के लिए होंगे और उनको अगर कभी जरूरत पड़ी तो वापस पहुंचाने का इंतजाम भी होगा। तो श्री कर्पूरी ठाकुर प्रवासी मेहनतकश सुविधा केंद्र ये हम बनाएंगे, ये हमने एक निर्णय किया। और जब महागठबंधन सरकार पहले दिन 10 लाख रोजगार का निर्णय करने की बात करती, आज मैंने चर्चा नहीं की उसकी क्योंकि आज मैं विशेष स्पेसिफिक पत्रकार वार्ता आपसे करने आया था, तो वो 10 लाख रोजगार एक पहली शुरुआत है बिहार के मेहनतकश युवाओं को काम देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने पहला वादा किया है किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ, ये हमारे घोषणा पत्र का पहला बिंदु है। महागठबंधन की सरकार किसान का कर्ज माफ करेगी और बिजली का बिल हाफ करेगी, और साथ ही हमने करके दिखाया है। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में यह वादा किया, पड़ोस में आपके, हमने ये वादा राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार ने भी ये स्वीकारा सदन के पटल पर विधानसभा में कि हां किसान का कर्जा माफ हुआ। छत्तीसगढ़ में हमने माफ करके दिखाया, राजस्थान में करके दिखाया। मैं आपसे वचन देते हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने ये लिखा है कि हम ये करके दिखाएंगे। किसान का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा, पर उससे भी महत्वपूर्ण हमारे घोषणा पत्र में ये है, 2006 में नीतीश कुमार जी ने जो मंडी व्यवस्था खत्म कर दी थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की बिकवाली की व्यवस्था खत्म कर दी थी, उसे हम नए सिरे से शुरू करेंगे। किसान को अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, उसे खैरात नहीं चाहिए, मैं खुद किसान हूं, उसे अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए वो बहुत है। किसान पूरे देश का पेट पाल सकता है और पालता भी है। धन्यवाद। आपका सवाल के लिए साधुवाद। आपको 6000 रुपया क्विंटल तक मुझे बताया गया है कि मक्की का बीज मिल रहा है और 800 से 1000 रुपए में मक्का पिट रहा है। 6000 रुपया क्विंटल तक का बीज खरीद कर और 800 और 1000 रुपये में मक्का बेचकर, बच्चे की तरह उसे पालकर पोसकर बेचकर किसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा? हमने इसलिए हमारे घोषणा पत्र में विशेष तौर से कहा है, 15 साल से उन्होंने कहा हम मक्का प्रोसेसिंग सेंटर सीमांचल में ही लगाएंगे और वो मक्का प्रोसेसिंग सेंटर ये सुनिश्चित करेगा कि बिहार का, और वो ये नहीं कि कोई छोटा सा प्लांट लगा दिया, एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री लगाएंगे और वो ये सुनिश्चित करेगा कि 1 किलो मक्का भी बिहार का प्रोसेसिंग के लिए, सीमांचल का प्रोसेसिंग के लिए बाहर ना भेजना पड़े। जो मुनाफा हो, जो कीमत मिले, वो यही मिले। जब प्रोसेसिंग सेंटर लगेगा, स्वाभाविक तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी, जब खरीद MSP पर होगी तो किसान को उसका मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव बिहार का है, बिहार में रोटी रोजगार उद्योग धंधा भाईचारा, ये चुनाव इस बात का है। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं,
हर धर्म का आदर करना मानवीय मूल्य है, भारतीयता है। मैं आपके धर्म का आदर करूं और आप मेरे धर्म का आदर करो, मैं मंदिर में जाऊं और आप अपनी इबादत के लिए जाएं, ये दोनों इस देश में संभव है, इसीलिए इसे भारत कहते हैं। आप गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हों और आप महावीर जैन जी के हों, ये इस देश में संभव है। आप जाकर गुरुद्वारा साहब के अंदर मत्था टेकें और एक और साथी मजार पर जाकर मत्था टेक कर आए, ये दोनों बातें संभव हैं। और मैं मंदिर में जाकर भी आपकी इबादत की इज्जत करूं, ये भी केवल इस देश में संभव है। उम्मीद है भारतीयता के इस नियमों से पूरी दुनिया सीख लेगी। हां, पर धर्म के नाम पर हिंसा का कोई स्थान नहीं। ये महात्मा गांधी की धरती है और चंपारण और पूर्णिया में अंतर ही कितना है। और आज भी यहां पर तो महात्मा गांधी का जो सेवा केंद्र है, चाहे उसे नीतीश बाबू ने जर्जर कर दिया, मुझे बताया गया कि वो यहां है जहां महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी के देश में हिंसा का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। अब साथी, मैंने बहुत तफसील से जवाब दे दिया, अब आपको इसमें से जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। सर, एक सवाल है सर। यस सर, प्लीज। मैं आपसे पूर्णता सहमत हूं। आपका सवाल जो है उसमें इस इलाके की पीड़ा का आभास है, वो किसान हो या आम साधारण दूसरा कोई मेहनती जनमानुष हो। कांग्रेस ने, राजग ने, लेफ्ट पार्टीज ने एक संकल्प ये भी लिया है कि महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट जो है, और खास तौर से उसमें भी तटबंधों का निर्माण जिससे जल जमाव और जल भराव दोनों से मुक्ति मिल सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगा। जरूरत पड़ी तो आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महागठबंधन की सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर जाकर जरूरी लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर आएगी, और अगर भारत सरकार ने भी पैसा नहीं दिया तो हम महानंदा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट बिहार की सरकार अपने पैसों से पूरा करेगी, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना पड़े, चाहे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाना पड़े, या किसी और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी के पास जाना पड़े, हम मोदी जी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम स्वयं वो पैसा लेकर आएंगे। धन्यवाद। जी सर। सर, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन युवा वर्ग जो कि अभी बहुत सारे जो पहले बिहार में फैक्ट्रियां थी वो सारे के सारे बंद पड़े जी, तो उसके लिए आप सरकार क्या करेगी? आदरणीय मित्र, बेरोजगारी इस देश की, खास तौर से बिहार की, सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपने हमारा बदलाव पत्र देखा हो तो हमने ये बताया कि 5 लाख पद हमने भी सरकारें चलाई हैं वर्षों तक, एक दशक से ज्यादा हमने खुद सरकार चलाई है, हमने ऐसी सरकार दुनिया में कहीं नहीं देखी, देश को छोड़ दीजिए, जो 5 लाख नौकरियां खाली रखे, 5 लाख नौकरियां बिहार की सरकार में खाली पड़ी हैं, सैंक्शन पोस्ट हैं, बजट है, पर नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने यह फैसला कर लिया किसी बच्चे को नौकरी नहीं देनी, खाली रखनी है। पहली कलम से ही ये सारे पद भरे जाएंगे। 10 लाख नौकरियां बिहार के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, काफी नहीं है? मेरी तेजस्वी यादव जी से तफसील से चर्चा हुई है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद और युवाओं को रोजगार देने की जरूरत होगी, और उसके लिए हमने बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है, जिसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ
इतने रोजगार हम पैदा कर सकें, और मैं किसी दिन आपसे केवल रोजगार पर पत्रकार वार्ता करूंगा तो चर्चा करूंगा कि हमारे पास ये प्लान है कि हम इतने रोजगार पैदा कर सकें जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और हमारी युवतियों, हमारी बेटियों और बेटों को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आपको सॉफ्ट कॉपीज भेज रहे हैं, भोजन की व्यवस्था। और एक हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मुझे पता है कि सब साथियों को काम है, स्टोरी लिखनी है, व्यस्त हैं, आधी आधी रोटी अगर खाकर जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। इस प्रीति भोज में अवश्य शामिल हो। धन्यवाद।